समटाइम्स द डिसशन विच कैन बी मेड राशनल अदरवाइज कैन बिकम इराशनल बिकॉज ऑफ द ग्रुप बिहेवियर इसका मतलब ये है कि आपने अगर एक फ़ैसला करना है इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर जिसमें हमने बोला कि हम मेरा फैसला जो है वो असरानंदाज हो सकता है मेरे पर्सनल मूड की वजह से या अवेलेबिलिटी बायस की वजह से या रिप्रजेंटे रिप्रेजेंटेटिव बायस की वजह से या फ्रेमिंग की वजह से तो वी हैव ऑब्जर्व के समटाइम्स एक अकेले जितने भी अभी हम बायसेस की बात कर रहे थे पहले वो सारे के सारे इंडिविजुअल लेवल्स के थे तो समटाइम्स हम इंडिविजुअली किसी एक चीज़ के बारे में किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कोई सर्टन माइंडसेट रखते हैं कोई सर्टन ओपिनियन रखते हैं कि ये बहुत अच्छा इस इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा हो सकता है बहुत फ़ायदा हो सकता है लेकिन जब हम और आस के लोगों से वो डिस्कस करते हैं या जब डिसीजन मेकिंग ग्रुप के फॉर्म में होती है तो एक इंडिविजुअल की जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है ग्रुप के ओवरऑल डिसीजन से तो जो ग्रुप का बिहेवियर है वो इवेंचुअली आपके डिसीजन के ऊपर फिर असरअंदाज कर देता है तो जो ग्रुप का बिहेवियर है दैट कैन

ग्रुप बिहेवियर एंड दैट कैन ऑल्सो समटाइम्स some सम um, variations इन the decisions और आपकी जो डिसीशन है वो अगर पहले इंडिविजुअल बायस की वजह से इ थी तो ग्रुप बिहेवियर की वजह से हो सकता है आप वो रैशनल डिसीशन मेकिंग की तरफ जा रही है या इट कैन हैपन अदरवाइज ऑल्सो कि आप एक रैशनल डिसीशन करते करते ग्रुप बिहेवियर में जब चले गए हैं जब काफ़ी सारे लोगों ने आपके फैसले को असरअंदाज किया एज अ ग्रुप तो आपकी जो खुद की पर्सनल कन्विक्शन थी वो चली गई है और आप सोशली डिजायरेबल जो डिसीशन था आपने वो ले लिया जो कि पूरे ग्रुप ने एज अ रिजल्ट फैसला किया नाउ देर हैज़ बीन एक्सटेंसिव रिसर्च दैट हैज बीन कंडक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ग्रुप बिहेवियर से लोग ज़्यादा बेहतर फैसले करते हैं जनरली या बैड डिसीशन की तरफ चले जाते हैं तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व के एज अ ग्रुप मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स जो डिसीशन होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू जो इंडिविजुअल डिसशनस होती हैं और रिसर्च कहती है कि जो मेजॉरिटी का ओपिनियन है वो नाइन्टी परसेंट ऑफ द टाइम्स से ज़्यादा टाइम्स uh, ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल डिस